नवरात्रों में अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का सबसे अच्छा तरीका है वे प्रोटीन पाउडर्स। वे प्रोटीन पाउडर्स की आप थोड़ी सी स्कूप की क्वांटिटी बढ़ा दो, अगर आप एक या दो स्कूप लेते थे तो थोड़ा सा 3 या 4 स्कूप तक आप ले सकते हो। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। आज 90th डे है ट्रांसफॉर्मेशन का, एक रेस्ट डे रहेगा। आज हम लोग बात करेंगे नवरात्रि के वेजिटेरियन डाइट के बारे में। आज से मैं अपने डाइट में 50 ग्राम्स का एडिशनल प्रोटीन ऐड करने वाला हूं और वर्कआउट में 20 मिनट्स का कार्डियो एडिशनल ऐड करूंगा। जैसा आप सभी को पता ही है कि नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं और ये हिंदू के मेन फेस्टिवल में से एक फेस्टिवल होता है। इसमें कई लोग 9 दिनों का फास्ट करते हैं और जो लोग फास्ट नहीं भी करते हैं वो लोग नॉन वेज प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी घर पे नहीं बनाते हैं। कहने का मतलब है कि हिंदू के लिए अब 9 दिनों तक नॉन वेज घर पे नहीं बनेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने मसल बिल्डिंग डाइट या फैट लॉस डाइट को कंटिन्यू कर सकते हो बिना अपने ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्टर्ब किए हुए। मैं अपनी डाइट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहता हूं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में वो फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको पहले प्रायोरिटी देनी है, यानी कि इनको आपको पहले प्रेफरेंस देनी है। इसमें आते हैं आपके फर्स्ट क्लास प्रोटीन सोर्सेज जैसे कि पनीर, कर्ड या फिर मिल्क। तो अगर आप नॉनवेज चिकन या एग्स को हटा दो तो उसको आप इन तीनों चीजों में से किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हो। और इसको मैं ज्यादा डीप में अभी समझा नहीं सकता वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। जो फ्रेंड्स लैक्टोस इंटॉलरेंट है या फिर किसी और रीजन से डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करना चाहते उनके लिए भी सेकेंड चॉइस है, वो है सबसे पहले टोफू, उसके बाद सोयाबीन एंड थर्ड नंबर पे कोई भी ग्रीन या फिर ब्लैक स्प्राउट्स। डाइट में आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप मिल्क प्रोडक्ट से या फिर दूसरे प्रोडक्ट से अपने एग्स या चिकन को रिप्लेस कर रहे हो तो आपकी ओवरऑल कैलोरीज टोटल मैच करनी चाहिए। यानी कि अगर आप पहले 1500 कैलोरीज खा रहे थे तो नॉनवेज को एक्सक्लूड किया, प्रोटीन दूसरे सोर्सेस से लिया, तो इसके बाद भी आपकी जो प्रोटीन की और कार्ब्स की और फैट की टोटल कैलोरीज है वो 1500 कैलोरीज मैच करनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए वरना इसका असर आपके गोल्स पे पड़ सकता है। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी।